नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। इस समय आप ये जो दृश्य देख रहे हैं ये महाराजा हरि सिंह पार्क के दृश्य हैं, जहां पर पीओजी के रिफ्यूजीज द्वारा ये कहा गया है कि सरकार जो है उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं कर रही, उन्हें कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है। क्या कुछ डिमांड्स हैं जो ये जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि लंबे समय से आप अपनी डिमांड्स को लेकर लगातार प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, क्या कुछ डिमांड्स हैं जो आप सरकार आपकी डिमांड्स को सुन नहीं रही? देखिए मैडम, कहते हैं कि जब पानी अपना उबला हुआ पानी लिवरेज होता है तो फिर वो पतीले से उछल कर नीचे आ जाता है। 36 साल का एक समय, बहुत बड़ा समय, हमारी ये तीसरी पीढ़ी जा रही है, तीसरी पीढ़ी से हम गुजर रहे हैं। हमारे पता ही नहीं हमारी पीओजेके में कितनी ज़मीन थी, कितने बाग थे। आज तक जो हमारी पीओजेके में जो प्रॉपर्टी हम छोड़कर आए हैं, ना जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने उसकी रजिस्ट्रेशन की है, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है। तो हमें क्या पता लगेगा हमारी कितनी ज़मीन थी, 200 सैकड़े कनाल हमारी ज़मीन थी, बाग बगीचे थे। आज तक गवर्नमेंट ने उसका कोई हिसाब किताब नहीं किया। हम ऐसे दरबदर हैं, ज़मीन जो हमें जो एज़ पर जो शरणार्थी एक्ट के मुताबिक गवर्नमेंट ने अलाट करनी थी आज तक नहीं की। 26,000 हमारे कुंभे थे जिनमें से सिर्फ 9,000 लोगों को ज़मीन अलाट की गई, वो भी फुल स्केल में नहीं। जो स्केल हमारी थी उसका था कि चार एकड़ ज़मीन जो है वो इरीगेटेड होना चाहिए और 6 एकड़ जो है वो अन इरीगेटेड होना चाहिए। लेकिन आप इन लोगों से पूछे कितनी ज़मीन है इन लोगों के पास। अगर जो ज़मीन थोड़ी बहुत ही है वो भी मज़ारों के पास है, मज़ारे हमें कब्ज़ा नहीं दे रहे। कितनी देर से हम दरदर हैं। कश्मीर के लोगों के लिए गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी कश्मीर में है उसका उस पर कोई कब्ज़ा नहीं करेगा, जब वो चाहेंगे वो अपनी ज़मीन उसके बागजार कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं। हम तो सही जो है देश के देशभक्त हैं, हमें तो कश्मीर को आज़ाद करने के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं। 40,000 से ज़्यादा हमारे भाई बहन बुज़ुर्ग बच्चे हमारे शहीद हुए। लेकिन हम सोचते हैं हमारा कसूर क्या है कि हम एक हिंदुस्तानी शहरी हैं, वोटर हैं, हम वोट दे देकर इसको देखो 17 हल्की कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जम्मू कश्मीर में, असेंबली हैं, यहाँ पर हमारी शरणार्थियों की गिनती है, संख्या है, हमारी वोट से MLA बनते हैं। लेकिन हमारे साथ बेइंसाफी, अब जो इलेक्शन आ रहा है, हम तो मोदी साहब को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि देखिए आपने कहा कि 140 करोड़ मेरा आबादी है देश की, मेरा परिवार है, हम चाहते हैं कि आपका परिवार का एक ऐसा भूखा जो मर रहा है उसके लिए सोचिए कि हमारी कितनी डिमांडें हैं, कितना हमारे से पैसा खर्च होगा। आप करोड़ों रुपए प्रोजेक्टों पर खर्च करते हैं तो हमारे बच्चे जो आज तक दरबदर हैं, जिनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, नौकरियों के लिए कोई सर रिजर्वेशन की भी बात करें तो रिजर्वेशन पे भी आपने आवाज़ उठाई थी कि जब पार्लियामेंट्री सीट की बात की गई। हाँ, पार्लियामेंट में देखिए 24 सीटें हमारी, 25 सीटें थे एक्चुअली, एक सीट इन्होंने दी है मेंढर को, जहाँ पर शरणार्थी कोई है ही नहीं उनके, उसके लिए मेंढर के लिए एक सीट इन्होंने बागजार कर दी। 24 सीटें जो हमारी जम्मू कश्मीर की के लिए पीओजेके के लिए रिजर्व इन्होंने की है, आज तक हम कहते हैं उनको डीफ्रीज करो भाई, जो हमारा हक बनता है कम से कम 12 सीटें हमारे लिए उनको करनी चाहिए। संख्या के मुताबिक 16 लाख से साल ज़्यादा हमारा वोटर है जम्मू कश्मीर में, आप अंदाज़ा लाइए। जो 1.5 लाख के करीब वोटर हैं उनके लिए 2 सीटें उन्होंने नॉमिनेट के लिए रखी, और हमारी जो है संख्या जो है 16 लाख से ऊपर है, हमें उन्होंने 1 सीट दी। ये हमारे से मजाक नहीं है और क्या है। क्या हम देशभक्त नहीं हैं? क्या आप गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम बंदूकें उठाएं और प्रदर्शन करें और दे फिर आप उनको कहें जी मिलिटेंट आ गए, हम कहाँ जाएंगे? यही हमारी गवर्नमेंट से इल्तजा है, रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, भाई हमारे लिए सोचें। ये लोग बेचारे सर्दी में आकर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका क्या कसूर है? सर आपसे भी अपना हक मांगते हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या अब आप किस क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट किस तरह से आप इनिशिएटिव ले? देखो जी, हमारा सीधा फार्मूला है, गवर्नमेंट हमें इस ढंग से इनिशिएटिव ले कि DPs का या रिफ्यूजी का बसाव करना है। अगर ये गवर्नमेंट के अंदर तमन्ना है, वो सोचते हैं कि हमने बसाव करना है तो बसाव हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है जी। हम 75-76 साल से दरबदर हो गए हैं, हो रहे हैं, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट ने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया है कि रिफ्यूजी का सेटलमेंट किया जाए। सिर्फ ये एक दिखावा है, दिखावा ज़रूर हुआ है, जैसे अभी मोदी जी की गवर्नमेंट ने हमें 5.5 लाख रुपया दे दिया, जो JPC रिकमेंडेशन है 30 लाख की है, वो कम से कम अभी जब जो 24.5 से बोध दो हमें, वो भी नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है, बच्चों को नहीं है, स्कूलों का आदमी नहीं, हमें तो वैसे रखा हुआ है जैसे हम देश के रहने वाले नहीं हैं,
हम जब प्रवासी क्या बोलते हैं उनको, वो लोग हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी 4-5 मेन डिमांड्स है, सबसे पहले कि 4.5 लाख जो है वो रिलीज किया जाए। नंबर दो, जो फाइलें अभी भी रह गई हैं उनका निपटारा किया जाए। नंबर तीन जो है, जिनके पास ज़मीन है उनको ज़मीन दी जाए। चौथी चीज़ यह है कि वो लोग जो हैं जो अभी बाहर रह रहे हैं, हमारे ये बिखरे हुए लोग हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली वगैरह में हर जगह गए हुए हैं, वो उनको भी उन्होंने कुछ नहीं दिया है। तो इस ढंग से ये टाइम निकाल रहे हैं। हम गवर्नमेंट से दरख्वास्त कर रहे हैं, भाई रिफ्यूजियों का सोचो, अभी वक्त है। जब बिगड़ बच जाएगा तो ना कोई भी गवर्नमेंट जो हमारा मसला हल नहीं करेगी, ना इनके अंदर हल करने की ताकत है, ना करेंगे ये। तो अभी टाइम है, हम अभी वफादार बन नहीं, तो आगे वक्त क्या बोलता है वो देखेंगे, हमने अभी कभी क्या करना। जय हिंद। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर महाराजा हरि सिंह पार्क में POG के रिफ्यूजी द्वारा आज एक प्रदर्शन किया गया है। जिस तरह से इनकी डिमांडे हैं, जो सरकार द्वारा लंबे अरसे से ये डिमांड्स की बात उनको पूरा करने की बात की है, और इनका ये कहना है कि अगर इनकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया तो प्रदर्शन इस तरह से होते रहेंगे। अभी भी वक्त है, इन बातों को समझना चाहिए सरकार को, और हमें जो है हमारी डिमांड्स को जो है फुलफिल करना चाहिए। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।